नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। कटिहार जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएसपी संचालक से 10 लाख की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। वहीं सीएसपी संचालक के विरोध करने पर सीएसपी संचालक को गोली मारी है। घायल सीएसपी संचालक को गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सीएसपी संचालक अखिलेश मनिहारी के अपने सीएसपी से रुपया निकासी कर अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल में जा रहा था। इसी दौरान अहमदाबाद थाना क्षेत्र के मनिहारी अहमदाबाद सड़क के कट्टा पुल के पास तीन मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने सीएसपी संचालक अखिलेश पर तीन गोलियां चलाई, जिसमें एक हाथ में लगी और एक पेट में लगी है, जबकि एक गोली शरीर के किसी हिस्से में नहीं लगी। फिलहाल गंभीर हालत में सीएसपी संचालक को स्थानीय ग्रामीण की मदद से अहमदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल रेफर किया गया है। इसी घटना पर बोलते हुए डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि अपराधी की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है, जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। फिलहाल पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार में अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं, और इससे पता चलता है कि बिहार अब फिर से जंगल राज बन चुका है। कटिहार के मनिहारी से मीर सनाउल की खास रिपोर्ट। एक सीएसपी संचालक हैं, वो अपने सीएसपी पे जा रहे थे, इसी बीच में कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा उनके ऊपर गोली चलाकर पैसे लूटने की बात सामने आई है। हम लोग जो है उनसे जो भी सूचनाएं मिली हैं, सूचनाओं को लेकर के और जो रिट्रीट है उसमें हम लोग अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। सर, सीएसपी संचालक के द्वारा क्या सूचना पुलिस को दी गई थी? बराबर पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन क्या सूचना दी गई? हाँ, सीएसपी संचालक की मीटिंग भी की गई, सबको बताया भी गया। हम लोग सबको मुहैया भी कराते हैं, सब लोग जिन लोगों को कैश ले जाना होता है उन लोगों को मुहैया भी कराते हैं। इन लोग बता रहे हैं कि थोड़ी आज हमसे मिस्टेक हो गई है, लेट हो जाने के कारण तो थोड़ी मिस्टेक हुई है, फिर भी हम लोग उसे अनुसंधान कर रहे हैं और अपराधियों को जल्दी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे और रिकवरी करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।